Hey guys, welcome back to my channel. So this is my another vlog. और आप सब कैसे हैं? I hope आप सब ठीक होंगे. So guys, this video is like कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ आज मैं घर पर अकेली हूँ and मुझे कुकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है. आज सोचा है कि आज आकांक्षा और संगू गए हैं दोनों फ्लाइट पे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी बनाऊँगी कोफ्ते. आई डोंट नो हाउ टू मेक. अभी मैं पापा को कॉल करने वाली हूँ, उनसे पूछने वाली हूँ कि पापा कैसे बनाते हैं एंड ऑल. अभी पता चला है कि ना तो घर में प्याज है ना टमाटर है, तो अभी हम जाएंगे पहले शॉपिंग करने और फिर उसके बाद विल मेक आर कोफ्ता. चप्पल नहीं मिल रहा है. इतना सारा चप्पल हमारे घर में मिलता ही नहीं है. कहाँ से ढूंढूं? कहीं भी चप्पल फेंक के चले जाते हैं ये लोग. आकांक्षा के रूम में मिल जाएगा. मिल गया. सो फाइनली आई गॉट ऑल वेजिटेबल्स लाइक जो जो चाहिए थी. अभी हम पहले थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे. वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो डाइटिंग पे हूँ तो मैं कोफ्ते क्यों आऊँगी? यही तो आप मार खा गए गाइस. आई विल नॉट ईट कोफ्ता. मैं खाऊंगी, मैं क्या बोलते हैं घी को बॉईल करके उसमें टमाटर प्याज का तड़का लगा के आई विल ईट विद रोटी. सो इट्स हेल्दी ऑल्सो एंड देर इज नो लाइक ना तो ऑयल होगा इतना ना कुछ होगा, तो देसी घी एंड समथिंग लाइक. सो उसका भी रेसिपी आई विल शेयर विद यू. हे गाइस, सो अभी हम करेंगे पहले स्किपिंग के बाद 1500 स्किपिंग करेंगे 100 के उसमें, और उसके बाद हम करेंगे थोड़ी से प्लैंक. लाइक आई थिंक मैं आपको शो करती हूँ कौन से वाले प्लैंक हैं. मैं नहा चुकी हूँ. अभी मैं जा रही हूँ कोफ्ते बनाने के लिए. सो आपको भी दिखाता हूँ मैं कैसे कोफ्ते बना. अभी मैं आ गया हूँ किचन में, तो किचन थोड़ा सा गंदा हो रहा है क्योंकि मैंने सुबह पोहा बनाया था और आंटी बेचारी काम वाम करके गई थी. तो अभी बस मैं पहले हुए कोफ्ते के लिए पहले वो लेते हैं क्या बोलते हैं घिया, तो घिया भी आप पहले लेंगे फिर उसके बाद आई विल शो यू. सो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम घी को काट लेते हैं. मतलब तो बहुत ज्यादा हुआ है यार. ये है कद्दूकस, कसा हुआ कद्दू, ये बेसन, ये नमक और ये हल्दी. हम ये तीनों चीजों चारों चीजों से ही इसको बनाएंगे, ठीक है. सो अभी मिक्सचर हो चुका है तैयार और मैं बना रही हूँ पकौड़े. यार डिफिकल्ट तो है कोफ्ते बनाना, इट्स नॉट ईजी थिंग.
सॉफ्ट भी बन रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी रूममेट को टेस्ट कराया है अभी, तो इट्स वेरी सॉफ्ट। बस अभी ये बन जाए फिर उसके बाद ये लोग तो पकौड़े खाएंगे, तो मैंने अपने लिए बनाया है बेसन का पैनकेक। सो बेसन इट्स लाइक बेसन का चिल्ला, सो वो भी बहुत यम्मी है। देखो गर्म है गाइस, फाइनली इट्स डन। मतलब मैं उसके लास्ट प्रोसेस में ही हूँ, तो अभी बस कोफ्ते ग्रेवी के अंदर डालने हैं। इट्स लाइक दिस एंड देखो मैंने किचन का क्या हाल बना दिया है। आपने देखा कितना सुबह कितना साफ था, अब इसका हाल इतना बेकार। फाइनली आई एम डन विद माई सब्जी और वो बहुत अच्छी बनी है। मतलब मेरी रूममेट ने बताया है, आई डोंट नो क्योंकि मैं तो नहीं खा सकती ना यार, इसलिए तो बन चुकी है। आई शो यू, अभी दिखाऊँ या बाद में दिखाऊँ? अभी दिखा देती हूँ। अपने लिए जो मैंने बनाया है वो भी दिखा देती हूँ। इट्स वेरी लाइट फॉर मी ऑल्सो, आई शो यू। सो पहले मैं दिखाती हूँ अपनी वाली सब्जी। दिस इज माई सब्जी, इट्स लाइक लौकी एंड प्याज टमाटर वाला एंड 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 सो दिस इज द अनदर वन कोफ्ते। आई मेड दिस लाइक मेरे को मतलब अच्छा है यार, इट्स नाइस, बट मैं नहीं खा सकती क्योंकि आकांक्षा के साथ मैं छोटा सा प्रैंक करने वाली हूँ। प्रैंक ये है कि हम आकांक्षा को बताएंगे कि हमने सिर्फ लौकी बनाया है एंड उसको बिल्कुल नहीं पसंद है, उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो हम पहले यही बताएंगे कि हाँ मैंने सिर्फ लौकी बनाया है, तो मतलब उसका रिएक्शन देखेंगे कि लौकी में उसका रिएक्शन क्या है। तो आई रियली वॉन्ट टू सी कि मतलब इतनी मेहनत करके मैंने बनाया, चलो लौकी भी बनाया चाहे कुछ भी बनाया, पर अच्छा अगर नहीं आया ना मैं उसको मार दूंगी जान से। बाकी ये बस एक छोटा सा प्रैंक करने वाली हूँ मैं उसके साथ, और संगू के साथ मैं क्या ही प्रैंक करूँ, वो तो बेचारी कुछ भी खा लेती है, समटाइम खा लेती है कुछ भी। तो आपको बताती हूँ मैं आगे जब बस आकांक्षा आ जाए, उसका आते ही बोलेगी मुझे चाय चाहिए, तो बस जब वो आ जाए तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि उसको कैसा लगा। कांचा आ चुकी है बहुत गुस्से में, मैंने उसको बोला है मैंने कुछ नहीं बनाया खाने के लिए, देखते हैं क्या करती है। अभी बस वो नहाने जाएगी, नहा के आके मैं आपसे आपको दिखाऊंगी वो क्या करना चाहती है, क्या कर रही है। कांचा आ चुकी है अभी जस्ट नहा के बाहर, नहीं मतलब चेंज वेंज करके अभी बाहर आई है, चाय वाय पी है एज ऑलवेज। चाय है कांचा, चाय के बिना इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी प्यारी लग रही है आज, तो इसको बहुत सारे रिव्यू मिला है, तारीफ 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 पे तारीफ। सो बस अभी इसका थोड़ा हम करने वाले हैं, हम इसको आज पता क्या बना तुम्हारे खाने में? आज इसके लिए बना लौकी। क्या बना है? मेरे को नहीं पसंद है लौकी। फिर देखो तुझे एक बार शक्ल देखो लौकी की, बहुत अच्छी लग रही है। सो इसको हम खिलाएंगे अभी लौकी, रुको सब खा चुके हैं। सिर्फ तो प्याज है, नहीं लौकी प्याज टमाटर। गाइस याद आया कुछ इस सब्जी को देख के? ये वही है, जब तक हम ये नहीं सोचे कि वो लौकी है हम खा सकते हैं, बट हमको क्योंकि पता है ना वो लौकी है, हमको बहुत अजीब लग रहा है। चलो ठीक है गाइस, अच्छा है, अच्छा है ना ये भी। देखो इसको लौकी बिल्कुल पसंद नहीं है बट स्टिल इसको अच्छा लग रहा है। चलो अब इसका प्रैंक हो चुका है पूरा, ये तुम्हारा प्रैंक था है? और तुम्हें पता भी नहीं चला। ये जो सब्जी है ये मेरे लिए है, मेरी डाइट की। जो तुम्हारे लिए सब्जी है वो उसके पीछे पड़ी हुई है। ओ फर्स्ट टाइम बनाया मैंने, अब इसको टेस्ट करके बताओ कैसी है। बाप रे बाप, और इतनी सारी लौकियां कटी पड़ी। ये हमारी जो चौथी रूममेट है ना उसने किया, मैंने इसको बोला लौकी काट के दियो भाई, खीरे की तरह छील के काटना है, उसने खीरे की तरह काट दिया उसको बिना छीले हुए। ओहो बेटे मौज कर। तो अब तेरा मूड थोड़ा सा ठीक हुआ पहले से? ठीक है, अब आई एम ओके। तो अभी इसे टेस्ट करवाते हैं और पूछते हैं कि ये कैसा बना है। ये बिल्कुल मैंने इसी की तरह बनाई है जैसे इसको बहुत वो आज मुझे सुबह से ना खाना अच्छा नहीं मिला है, तो मेरे को बहुत जोर का
कैसा है? बहुत सही है ना? बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मूड ठीक हुआ? एक्चुअली मैंने इसको पागल बनाया था कि मैंने तेरे लिए सिर्फ लॉकी बनाया और ये रोती रोती आई थी घर कि ये क्या बोल रही है। मैंने सोच लिया था मैं झगड़ा वगड़ा करूंगी यार, अगर सही में लॉकी हुआ तो मेरे को तो बहुत गुस्सा आएगा। मैंने इसको बोला था कि मैं दही चीनी से खा लूंगी बट मैं लॉकी नहीं खाऊंगी। तो फाइनली कोफ्ता बहुत सही बना भाई, बहुत सही। हम पहली बार बनाए हैं, बहुत अच्छा, बहुत कतर। हम सुबह से यही प्लान कर रहे थे कि तुम दोनों को सरप्राइज देंगे। बहुत 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 कर दिया। दही लेके आओ, दही दही। देखो भाई लोग कितना अच्छा बनाया, खा के बताओ। बनाते हैं ऐसा? नहीं ना, बना भी नहीं सकते। क्या चैलेंज कर रही हो भाई? खा के बताओ अभी जल्दी से। बूंदी का रायता, इसे मतलब फ्लाइट से आओ तो ऐसा खाना मिले। बस मैं रोज फ्लाइट चल जाऊं क्योंकि फिर मुझे खाना नहीं बनाने को पड़ेगा ना। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मैं डेली नहीं बना सकती खाना। आज भी मैंने बहुत बहुत मेहनत करके बनाया है। लग रहा है तुमने बहुत मेहनत की है, ये खाना बहुत बेकार बनाती है। मतलब सच में मैं जो भी बनाती हूँ अच्छा ही बनाती हूँ। भाई सामने वाला इंसान बताएगा कि जो खुद बनाता है वही बताएगा? खा के दिखाओ। उफ, बहुत गर्म है यार, मेरे से बेटर बना है, नो डाउट। तीखा भी है? हाउ कम योर फूड इज तीखा? गगन को तीखा बनाने नहीं आता है बिल्कुल भी। उसके मसाले के नाम पे वो डालती है लहसुन, नमक और हल्दी, दैट्स इट। भाई बहुत सही, आप खा रहे हैं दो। अब प्लीज खा रहे हैं दो, ऐसे कैमरा के सामने मत रखो हमको, सलीके से खाना पड़ रहा है। प्लीज भाई बंद कर दो कैमरा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज़ इफ यू रियली लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।